हजरत का ईमान ऐसा मजबूत है कि हमारे हिंदुस्तान का हिमालय तो कमजोर है मगर नबी के शहजादा का ईमान उससे शिया शिया का नाम आया तो आपके हाथों में सुर्खी पर मुफ्ती साहब मुंह जो दिल तरफे थे मुंह के शिया का मतलब हाय गजब हो गया दिन शेर से मां लालक के बात हो वो मुझे चमन था जो मुझे नाना का दुश्मन आले नबी का दुश्मन अली करमुल्ला को सताने वाले गद्दारियां करने वाले नबी के शहजादे इमाम हुसैन से गद्दारी करने वाले यही तो किया तारीख बनी उन इसलिए ये सब बीमारी गलत हाँ आले नबी की मोहब्बत तो ईमान की जड़ वो तो ईमान की जड़ है। आला हजरत की शायरी आप पढ़िए मेरे वक्त नहीं खुदा की कसम इतने वो दीवाने थे इतने दीवाने थे कि जब मेरा जनाजा चले तो सब लेके चलना मगर वो से आजम का कसीदा मुझे सुनाते रहना तो मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। अल्लाह मेरे गौस का जब नाम आता है तो अहमद रजा के दिल में जान पैदा अरे मरने के बाद गौस के जामल से जुड़ने का ख्वाब देखे ये इश्क अल्लाह वालों को मिला उनका अकीदा ईमान है जो मिलेगा वो गौस पाक की लालिम के सब उनकी आने पाक के सब इसलिए प्यारे मेरे आका का फरमान कि मेरी आन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की आपने दुआ की मौला हाजा इब्राहिम व इब्राहिम इब्नी खुदा के लिए इस किस बेहूद इल्जाम लोगों ने तो भाई साहब सरकारी अली का सरकारी इल्जाम खुदा की कसम रोना लोग रो पड़े शेख अब्दुल ने कहा कि रोते रोते मेरी किताब खराब होगी वो बेईमान कौन मुसलमान है जो सरकारी अली पे कुफर का मौलाए जो इल्म की इस्लाम की जान के सबके लगा तो लोगों ने जब उनको नहीं बख्शा तो आपको हजरत को हमको कौन बख्शेगा इसलिए हमको इसकी कोई फिक्र नहीं हजरत का दिल इनके नाना जान की तरह करबला के शहीद आजम के सत्य में बेमिसाल पड़ा आप किसी की तनकीस या सिफा के तहकीर नहीं फरमाते हर दीन के काम करने वाले को आप दुआओं से नवाजते अल्लाह ताला आपके सत्य में हमें आप सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हजरत कुछ नसीहत फरमाइए दिन भर की मैंने सुना कि 3-2.5 घंटे की न रात को आराम न दिन को आराम भीड़ की खुदा की पनाह मैंने जोधपुर से लेकर के देखा को हजारों का मजबूत और कल परसों मुझे लोगों ने कहा कि जब सेलाऊ हम आ रहे थे तो मैं की शेर गया